Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss one of the important topic from your solution unit, that is a Raoult's law. जैसे कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा, हमने सम एलिमेंट्री आइडियाज डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस. वेपर प्रेशर हमने कहा था, ये वो प्रेशर होता है जो कि वेपर्स ऑफ द लिक्विड एग्जर्ट करते हैं ऑन देयर ओन लिक्विड सरफेस व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज ऑफ ए सब्सटेंस. तो उसी वेपर फेज की हम बात करते हैं आज के इस लॉ में, जिसका नाम है रॉल्ट्स लॉ. तो रॉल्ट्स लॉ जो है ये दिया है, जिस केमिस्ट ने ये दिया है, हिज नेम इज एफ एम रॉल्ट ने ये लॉ दिया है इन 1887 में. एफ एम रॉल्ट ने एक स्पेशल लॉ दिया है जिसमें रॉल्ट ने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दी है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में और देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स के बीच में. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसमें दोनों सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, यानी कि सॉल्यूट भी वेपर बनाएगा और सॉल्वेंट भी वेपर बनाएगा, तो उस हिसाब से जो सॉल्यूशन हमारी होगी, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन सॉल्यूट का वेपर का भी होगा और थोड़ा कंट्रीब्यूशन सॉल्वेंट के वेपर का भी होगा. तो ओवरऑल जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ऐसी सॉल्यूशन का, जिसमें सारे सॉल्यूट वाले कंपोनेंट या सॉल्वेंट वाले कंपोनेंट सारे वोलेटाइल है, तो उस वाले सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स के वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर्स को सम करके उस सॉल्यूशन का हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं. तो रॉल्ट्स लॉ है क्या? बेसिकली एफएम रॉल्ट इज सेइंग इफ यू आर हैविंग एनी सॉल्यूशन इन व्हिच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल फॉर्म वेपर इंडिविजुअली बाय देयर ओन एंड those vapors formed by the solute and solvent, they will exert pressure, rather vapor pressure, on the surface of the liquid solution. And वो जो solute अलग से vapor solution में vapor pressure exert करेगा, या solvent जो अलग से उस solution में vapor pressure exert करेगा, उन solute और solvent के individual vapor pressures को हम solution में, उनका हम नाम देते हैं partial vapor pressures of solute and partial vapor pressures of solvent. तो कब जाके एक solution में पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूट का ज्यादा होगा, कब जाके सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स का ख्याल रखना है, तो वही सारे जो कंसेप्ट्स है आज के हम इस लॉ में पढ़ेंगे, जिसका नाम है रॉल्ट्स लॉ. तो समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस ले लेता हूँ. आप समझ लीजिए, मेरे पास एक बीकर है. इस बीकर में मैंने सबसे पहले वाटर लिया है. जो वाटर है, यू नो दैट वाटर जो है एक सॉल्वेंट है. वाटर इज अ सॉल्वेंट, और ये एक सिंपल सॉल्वेंट नहीं है, ये एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है. इट इज अ वोलेटाइल सॉल्वेंट. वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब ये वेपर्स बनाएगा, इस उन वेपर्स का अपना वेपर प्रेशर होगा इसमें, ठीक है. तो इसी सॉल्वेंट वाटर में समझो मैंने अल्कोहल डिजोल्व कर दिया. अल्कोहल भी लिक्विड ही होता है, यानी कि पानी के साथ थोड़ा सा शराब मिला देते हैं, तो ये जो वाटर और अल्कोहल की जो सॉल्यूशन बनेगी, इसमें एक तो वाटर हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसका नाम रख देते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट. तो उस वोलेटाइल सॉल्वेंट के बदले मैं लिख लेता हूं ए, लेट ए बी द वोलेटाइल सॉल्वेंट, लेट दैट बी वाटर. एंड इसी वाटर में जो हमने अल्कोहल एड किया हुआ है, लेट दैट अल्कोहल बी योर सॉल्यूट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से. और जैसे आपको पता है अल्कोहल जो है, शराब जो है, वो भी लिक्विड ही होता है, एंड दैट अल्कोहल इज आल्सो वोलेटाइल, वो भी वोलेटाइल है. यानी कि एक तरफ से इस सॉल्यूशन में वाटर आ गया, पानी आ गया, वो भी वोलेटाइल है, और दूसरी तरफ से हमने इसमें सॉल्यूट यानी कि अल्कोहल डिजोल्व किया, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो वो भी वोलेटाइल है. तो दोनों वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी, पानी भी,
और सोल्यूट भी यानी कि अल्कोहल भी दोनों वोलाटाइल है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों मिलके मिसिबल आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में, यानी कि आसानी से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में जब हम अल्कोहल को वाटर के साथ मिलाएंगे। जैसे आपको पता है वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, तो अल्कोहल्स में भी पोलर ओएच ग्रुप होने की वजह से अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने की वजह से क्या होगा, अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अल्कोहल है वो वाटर में फ्रीली डिसॉल्व होगा, तो आपकी बन जाती है यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल। अब अगर हम इसी एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल को हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, ये जो सिस्टम है, सिस्टम हम क्लोजर लेते हैं सो दैट यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए हम इस सिस्टम को ऊपर से क्लोज कर देते हैं ताकि आपका जो वेपर अंदर बनेगा इस सॉल्यूशन में वो सारा वेपर बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस अल्कोहल की एक्वस सॉल्यूशन को मैं हीट कर रहा हूँ। जितना ज्यादा मैं हीट करूंगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर ज्यादा ज्यादा वेपर बनेगा। तो वेपर किसका बनेगा, एक तो इसमें वाटर है वो भी वोलाटाइल है, दूसरा इसमें अल्कोहल है वो भी वोलाटाइल है। तो जब मैं हीट कर रहा हूँ सोल्यूशन को तो हीट तो अल्कोहल को भी मिल रही है, वाटर को भी मिल रही है, तो दोनों जो है वोलाटाइल कंपोनेंट्स, इसमें अल्कोहल भी और वाटर भी, दोनों जो है वो वेपर्स बनाएंगे। तो जब वो वेपर्स बनाएंगे तो दोनों का जो वेपर है, अल्कोहल का भी वेपर जो होगा यहाँ पे, अल्कोहल का जो वेपर बनेगा या वाटर का जो वेपर बनेगा यहाँ पे, यानी कि दो टाइप्स ऑफ वेपर्स यहाँ पे बन रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आधे में ब्लैक कलर के वेपर्स ले रहा हूँ यहाँ पे और आधे में सिंपली व्हाइट डॉट के वेपर्स ले रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि इस सॉल्यूशन में अल्कोहल भी वाटर भी दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों का अपना वेपर तो बनेगा ही, और दोनों के वेपर्स, अल्कोहल के वेपर्स भी वाटर के वेपर्स भी, दोनों एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, दोनों एक्सर्ट करेंगे प्रेशर ऑन देयर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब ये अल्कोहल का वेपर और वाटर का वेपर इस सॉल्यूशन के सरफेस पे एक्सर्ट करेगा प्रेशर, तो वही प्रेशर कहलाएगा आपका वेपर प्रेशर। अब समझ लीजिए एक चीज, जो यहाँ पे वाटर है, वाटर का जो वेपर बन रहा है, वाटर का जो वेपर है वो एक्सर्ट जब करेगा प्रेशर, तो उस प्रेशर का हम नाम रखते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, एंड उस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय पीए। PA जो है यहाँ पे, ये है वाटर का पार्शियल वेपर प्रेशर जो कि ये एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। और सिमिलरली यहाँ पे जो अल्कोहल के वेपर्स होंगे, अल्कोहल के वेपर्स भी पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सॉल्यूशन के सरफेस पे, और अल्कोहल के उस पार्शियल प्रेशर को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे PB। यहाँ यानी कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन में एक तो आपको सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसका सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम नाम दे देते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। और यहाँ पे जो अल्कोहल है वो भी वोलाटाइल है, वो भी वेपर बनाएगा, और उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीबी से। दैट मींस वी आर हैविंग टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स इन दिस बाइनरी सॉल्यूशन, वन इज वाटर एंड अनदर वन इज अल्कोहल, बोथ अपॉन हीटिंग फॉर्म वेपर्स, एंड बोथ अल्कोहल एज वेल एज वाटर दे एक्सर्ट वेपर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दोज individual or vapor pressures which they exert on the surface of the solution, those are called as partial vapor pressures of solvent and partial vapor pressures of solute, which are represented here by PA and PB. तो अगर मैं एक चीज करता हूं यहां पे, अगर मुझे देखना है ये PA का वैल्यू कितना होगा, PA का वैल्यू कितना होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ज्यादा होगा यहां पे कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल ज्यादा होगा, तो वही चीज समझाने के लिए ये ला दिया है रोल्ट ने। तो रोल्ट क्या कहता है, अगर आपको देखना है कि इस सॉल्यूशन में कौन से वाले कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो उस वो चीज डिटरमाइन करने के लिए आपको इस सॉल्यूशन में चेक करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगा, व्हाट इज एक्चुअली रोल्ट ट्राइंग टू से, ही इज सेइंग द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
the partial vapor pressure of solvent in a solution that is directly proportional to the mole fraction of solvent in the solution. इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यानी कि काई ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम इसमें ज्यादा लेंगे, जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हम इसमें ज्यादा लेंगे, उतना ही उसका वेपर ज्यादा बनेगा. जितना उसका वेपर ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए का वैल्यू होगा. That means Rolt is saying whenever you are going to calculate the partial vapor pressure of any volatile component in a solution, we have to check what is actually the value of the mole fraction of that component in the solution. यहाँ पे अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हुए, उन्हीं का वेपर ज्यादा बनेगा. जब उनका वेपर ज्यादा बनेगा तो उनका मोल उनका जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन में, उसका कंट्रीब्यूशन सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा. तो सेम इज द केस विद अल्कोहल. जो हमने अल्कोहल लिया था उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर था यहाँ सॉल्यूशन में, दैट वाज पीबी. तो ये पीबी ज्यादा होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर अल्कोहल का ज्यादा होगा. कब ज्यादा होगा? तब ज्यादा होगा व्हेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल यानी कि काई बी इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी दोनों वोलेटाइल है, और सॉल्यूट भी अलग से वेपर्स बनाता है, सॉल्वेंट भी अलग से वेपर्स बनाता है, सॉल्यूट का अपना वेपर प्रेशर है पीबी, सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर है पीए, तो दोनों पीए और पीए पीबी का वैल्यू तब ज्यादा होगा जब उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा होगा. तो दैट इज द रोल्ट्स लॉ फॉर यू. यानी कि हम ये एक बात यहाँ पे कहते हैं, जितना जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट ज्यादा लोगे इस सॉल्यूशन में, उतना उतना मोल फ्रैक्शन उन कंपोनेंट्स का ज्यादा होगा. जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ज्यादा वेपर्स बनेंगे उन कंपोनेंट्स के, और उतना ज्यादा वो कंपोनेंट्स एक्सर्ट करेंगे वेपर प्रेशर ज्यादा ज्यादा ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन. दैट मीन्स रोल्ट्स लॉ को मैं डिफाइन कर सकता हूँ at a given set of conditions, if we are having a solution in which all the components are volatile, the partial vapor pressure of all those volatile components that is directly proportional or that directly depends on the mole fraction of the respective components. तो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ. अगर हमने यहाँ पे वाटर लिया था जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, और हमने दूसरा सॉल्यूट लिया था बी जो हमने अल्कोहल लिया था. यहाँ पे मैं वाटर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं अल्कोहल ले लेता हूँ, इन दोनों को मैंने मिक्स किया था, मिक्स करके इन्होंने बनाई थी हमारी सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए बी से. तो अगर मैं वाटर को, खाली वाटर को अलग ले लेता हूँ, वाटर प्योर फॉर्म में है, यहाँ पे प्योर फॉर्म में जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पी ए नॉट से. इफ वाटर इज इन प्योर फॉर्म में वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सट्रीमली ज्यादा होगा, क्योंकि खाली जो यहाँ पे वेपर्स बनेंगे वो वाटर के ही वेपर्स बनेंगे, और जो वेपर प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा वो वाटर के ही वेपर्स एक्सर्ट करेंगे. तो यहाँ पे जो प्योर फॉर्म में वाटर का वेपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे खाली वाटर ही प्रेजेंट है. लाइकवाइज अगर हम अल्कोहल को अलग से लें, अलग से बीकर में लें, इसमें खाली अल्कोहल का लिक्विड प्रेजेंट है, अल्कोहल के ही वेपर बनेंगे, अल्कोहल के वेपर्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो अल्कोहल का वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं पीबी नॉट से. दैट मींस पीए नॉट एंड पीबी नॉट दे आर द रेस्पेक्टिव पार्शियल रेस्पेक्टिव वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन देयर प्योर फॉर्म्स एंड हुज वैल्यू इज हाई, एक्सट्रीमली हाई. यहाँ पे पीए का भी वैल्यू बहुत ज्यादा है, पीबी का भी वैल्यू बहुत ज्यादा है. समझ लीजिएगा, प्योर फॉर्म में वाटर वेपर, खाली वेपर जो बनेगा वाटर के ही वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट होगा खाली वेपर का ही, वाटर का ही वेपर बनेगा, वो उसी का वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, और वेपर प्रेशर यहाँ पे वाटर का इंडिविजुअली बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि वाटर के साथ कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रहा है, तो वेपर बहुत ज्यादा बनेगा. इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीए नॉट का वैल्यू इंडिविजुअली बहुत ज्यादा होगा. और अल्कोहल के साथ भी वही चीज है, अल्कोहल भी अगर अकेला हुआ, इसको वेपर बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, तो वेपर का जो मैग्नीट्यूड है, डेंसिटी है, बहुत ज्यादा होगी,
और इसका वेपर प्रेशर पी वी नॉट भी बहुत होगा जब ये अलग अलग है दोनों, तो दोनों जब अलग अलग है दोनों का वेपर प्रेशर अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा है. बट वेन वी आर गोइंग टू मिक्स देम टू फॉर्म ए सोल्यूशन, जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन में यहां पे ए है और बी है, दोनों प्रेजेंट है, तो यहां पे ए और की बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो है अट्रैक्शन हो जाएगी. जब अट्रैक्शन हो जाएगी, ए इंटरफियर कर रहा है बी के साथ एंड वाइस वर्सा, जब एक दूसरे के साथ इंटरफियर करेंगे तो क्या होगा, यहां पे ए उतना वेपर तो नहीं बना पाएगा जितना ये इंडिविजुअली बना रहा था, और लाइकवाइज बी उतना वेपर नहीं बनाएगा जितना ये इंडिविजुअली प्योर फॉर्म में बना रहा था. तो यहां पे जो वाटर का कंट्रीब्यूशन होगा वो पी ए नॉट से कम होगा, एंड लाइकवाइज जो यहां पे अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन होगा यानी कि बी का कंट्रीब्यूशन होगा वो पी बी नॉट से कम होगा. कहने का मतलब ये है, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मिक्स, what a and b the volatile components to form a solution, the overall vapor pressure of solvent and solute in case of the solution that depends upon how the solute and solvent are actually interacting with each other. If the force of interaction between solute and solvent is very high, that means they would not form vapors easily. When they will not form vapors easily, their vapor pressure will be less as compared to the vapor pressure exerted by those components in the pure form. लेकिन अगर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ इनके बीच में तो ये फ्रीली वेपर्स बनाएंगे. तो फ्रीली वेपर्स बनाने का मतलब क्या है, यहां पे इनका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का और सोल्यूट का वेपर प्रेशर, देयर रेस्पेक्टिव वेपर प्रेशर जो वो प्योर फॉर्म में शो करते थे उससे कम होगा. लेकिन हम उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं. अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर उनके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर्स के बराबर नहीं होगा. तो हम खाली बात करते हैं इसलिए, यानी कि व्हेन वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन इन व्हिच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, the vapor pressure of solvent and vapor pressure of solute that will not be equal to the vapor pressure of solvent and solute in their pure forms. That means to determine the exact value of the vapor pressure of solvent and the vapor pressure of solute in case of solution, we have to derive some expression so that we can see what is actually the magnitude of the vapor pressure of the water and magnitude of vapor pressure of the alcohol or the volatile solute in case of solution. तो ये चीजें समझाने के लिए क्या दिया गया है, रोल्ट्स लॉ. अब रोल्ट क्या कहता है, अगर आपको सोल्यूशन में देखना हो, अगर आपने सोल्यूशन में देखना हो what is the partial vapor pressure of solvent, या सोल्यूशन में देखना हो what is the partial vapor pressure of solute, वो तो पी ए नॉट से पी वी नॉट से कम ही होगा, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से कम होगा. अब कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शंस ऑफ दोस कंपोनेंट्स. अब अगर आपने यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा लिया है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉल्वेंट के वेपर ज्यादा बनेंगे, तो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा फिर. एंड लाइकवाइज अगर आपने यहां पे अल्कोहल ज्यादा लिया यानी कि सॉल्यूट ज्यादा लिया, जितना ज्यादा ज्यादा सॉल्यूट लोगे उतना ही उसका वेपर ज्यादा बनेगा, जितना सॉल्यूट का वेपर ज्यादा बनेगा उतना ही वेपर प्रेशर सॉल्यूट का ज्यादा होगा, वो कहलाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूट. कहने का मतलब है जो पी बी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, उतने ही ज्यादा दोनों वेपर्स बनाएंगे, उतना ही उनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है पी ए एंड पी बी वो बहुत ज्यादा होगा. दैट इज व्हाट वोल्ट इज ट्राइंग टू से. तो मैं एक चीज कर लेता हूं, इसको एक सिंपल एक अच्छी फॉर्म में लिख लेते हैं. तो मैं इसको हटा देता हूं यहां पे, आप देख लीजिएगा अच्छे से. तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. ठीक. एंड अब मैं यहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, समझ लीजिएगा. तो मैं लिख सकता हूं पी ए, प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट काय ए, पी ए नॉट का ए. This is the PA is the partial vapor pressure of solvent in case of solution that is equal to the product of vapor pressure of solvent in pure form multiplied by the mole fraction of the solvent in solution. Likewise, जो PB होगा इसकी भी ये proportionality हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये constant आएगा PB,
that will be equal to PB naught into chi B. That means the partial vapor pressure, of solvent, volatile solvent, in case of solution, that is equal to the product of vapor pressure of the volatile component in pure form multiplied by mole fraction of the volatile component in solution. So, we will do one thing. Let this be your equation number first as per Rolle's law, and let this be your equation number second as per Rolle's law. अगर हम प्योर फॉर्म की बात करें, प्योर फॉर्म में जो वाटर का वेपर प्रेशर है दैट इज पी ए नॉट, वो बहुत ज्यादा होगा, और जो सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर होगा दैट इज पी ए, दैट इज पी ए, एंड दैट पी ए इज इक्वल पी ए नॉट इनटू का ए, दैट इज द रूल्स लॉ. एंड वेल एज अगर हम सॉल्यूट की बात करें प्योर फॉर्म में, उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा दैट इज पी बी नॉट, लेकिन अगर हम उस सॉल्यूट को सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा दैट इज पी बी. And that PB as per Rolle's law, that is equal to vapor pressure of the solute in pure form multiplied by the mole fraction of that solute in solution. So, samajh lijiyega. Ek cheez main samjhata hu, through graph samjhate hain isko Rolle's law ko. To samajh lijiyega, main graph le leta hu yahan se. Let this be your PA, that is partial vapor pressure of solvent, and let this one be your chi A, that is mole fraction of solvent. तो हम क्या कह रहे थे, जितना हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ज्यादा लेंगे, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का जितना ज्यादा आएगा उतना ही वेपर वो ज्यादा बनाएगा, जितना वो वेपर ज्यादा बनाएगा उतना ज्यादा उसका इंक्रीज हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर. दैट मींस एट द बिगिनिंग हियर व्हेन काई ए इज इक्वल टू जीरो, काई ए इज इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जीरो है, सॉल्वेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका वेपर प्रेशर भी जीरो होगा, यानी कि पी ए भी जीरो होगा. काई ए जब जीरो होगा पी ए भी जीरो होगा, ठीक. लेकिन जब हम इस साइड जाएंगे तो यहां से काई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और यहां पे मान के चलिए काई ए का वैल्यू बन जाता है 1 के बराबर. हियर काई ए वाज 0, पार्शियल सॉल्वेंट प्रेजेंट ही नहीं था, जब सॉल्वेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी 0, पार्शियल वेपर प्रेशर भी 0 होगा. बट व्हेन वी मूव फ्रॉम 0 टू 1 द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, देयर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे उतने ही आपके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और जितना ज्यादा ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज. दैट मींस द स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड. जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज होता जाएगा, जितने मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएंगे उतने ज्यादा सॉल्वेंट के वेपर सॉल्यूशन में ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा ज्यादा वेपर्स बनेंगे ज्यादा ज्यादा उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैं यहां पे बात करूं काई ए इज इक्वल टू 1, यू नो दैट वन फॉर्मूला फ्रॉम मोल फ्रैक्शन, काई ए प्लस काई बी दैट इज इक्वल टू 1. जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था स्कूल में हमने पढ़ा था सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट इज ऑलवेज यूनिटी. लेकिन अगर मैं यहां भी कह रहा हूं काई ए इज इक्वल टू 1 तो काई बी क्या होगा, फिर 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है. जब इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है तो जब मैं काई ए का वैल्यू 1 रखूंगा काई बी क्या आएगा, 0. तो काई ए का 1 आने का मतलब है खाली सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट जब खाली प्रेजेंट है वो प्योर फॉर्म में होगा, उस वक्त जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो पी ए नॉट के बराबर होगा. चेक कर सकते हैं यहां से. दैट मींस व्हेन काई ए इज 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0, सॉल्वेंट इज एब्सेंट, व्हेन सॉल्वेंट इज एब्सेंट दैट मींस वी आर ओनली लेफ्ट विद सॉल्यूट, and when we are only left with solute at that time the vapor pressure of the solvent that will be 0. But when there is increase in the value of chi a, mole fraction of solvent increase ho raha hai, to vapor pressure bhi increase hoga, and a stage will be reached when chi a will have the highest value of 1. At that time hum kya kahenge, yahan pe solute present hi nahi hoga to khali solvent present hoga, to solvent ke present hone ka matlab khali pure solvent present hoga, us time jo vapor banega khali pure solvent ka hi banega, us time jo partial vapor pressure hoga solvent ka wo pure form ke vapor pressure ke barabar hoga. Wahi kehne ka matlab hai yahan pe, if you are going to if you need to calculate the value of PA, you need to know two values. One is the value of PA naught and the mole fraction of that solvent at a particular stage jahan pe aapko iska PA malum karna ho. To likewise PB ke liye bhi same hi graph aayega. PB ke liye main ek cheez hata deta hu, yahan pe hata dete hain, yahan pe PB likh lete hain aur yahan pe kai bhi le lete hain aur isko hata ke
आप देख लीजिए फिर से, इफ काई बी इज इक्वल टू जीरो, काई बी जीरो होने का मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जीरो है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जीरो मतलब सोल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब सोल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है वो वेपर ही नहीं बनाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर पीबी भी जीरो के बराबर ही होगा। बट व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काई बी का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होंगे, जब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होंगे तो वेपर भी बहुत ज्यादा बनेगा सोल्यूट का, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा इंक्रीज, दैट मींस विद इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट there will be increase in the vapor pressure, and a stage would be reached when chi b will have the highest value of 1. chi b ka highest value kya hoga? 1, kyunki chi a plus chi b 1 ke barabar hota hai. agar humne chi b ka hi value 1 rakha to chi a kya aayega? 0. to yahan pe khali chi b ka 1 aane ka matlab hai khali yahan pe solute hi present hai. jab khali solute hi present hai to hum ye keh sakte hain yahan pe jo vapor banega khali solute ka hi banega, jo vapor pressure hoga wo bahut zyada hoga, that means this pb will be equal to here pb not. तो वो ये वाली फॉर्मूला आ गई, व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काई बी, व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काई बी, ठीक, देयर विल बी इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर, दैट मींस द स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड वंस अगेन। और यहां पे अगर मैं कहता हूं यहां पे अगर काई बी 1 के बराबर है तो हमारा पी बी किसके बराबर आ गया? पी बी नॉट के बराबर आएगा, पी बी जो है पी बी नॉट के बराबर आएगा। दैट मींस यहां पे कहने का मतलब यही है, जितना ज्यादा आप मोल फ्रैक्शन लोगे ज्यादा एक वोलाटाइल कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन में, उतने ही वेपर्स वो ज्यादा बनाएगा उस सॉल्यूशन में, और जितना ज्यादा वेपर्स आपको मिलेंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा, और जितना वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी ओवरऑल सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर भी जो वो बहुत ज्यादा होगा। तो रोल्स लॉ यहां पे ही कंप्लीट नहीं होता है, हम अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है फॉर रोल्स लॉ की, उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है, दोनों वेपर्स बनाते हैं, दोनों का वेपर प्रेशर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी, एंड दोनों जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा उसको हम सम करेंगे, वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का सम लेंगे वैल्यू लेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू लेंगे, उनको सम करके हमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे मिल जाएगा। तो एक चीज हम 11th की तरफ आते हैं, थोड़ा हम 11th की तरफ मूव करते हैं। तो 11th में आपने एक लॉ पढ़ा था, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। यहां पे मैंने लिया है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। 11th का कंसेप्ट है गैसेस के लिए, अगर हमने एक क्लोज्ड सिलेंडर में बहुत सारे गैसेस लिए हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट गैसेस लिए हैं, तो अगर हम सिलेंडर में टोटल टोटल प्रेशर मालूम करना हो या गैस डिफरेंट गैसेस का, तो हम सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स का सम करते हैं, तब जाके हमें टोटल प्रेशर एक गैस सिलेंडर का निकलेगा। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब समझ लीजिएगा, अगर एक सिलेंडर में बहुत सारे गैसेज हैं, हर कोई गैस एग्जर्ट करेगा प्रेशर, ऑक्सीजन भी एग्जर्ट करेगा प्रेशर सिलेंडर में, नाइट्रोजन भी एग्जर्ट करेगा प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड भी एग्जर्ट करेगा प्रेशर, तो सारे गैस जो मिलके एग्जर्ट प्रेशर करेंगे वही कहलाएगा टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। लेकिन यहाँ पे तो गैसेस की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात चल रही है। तो मैंने जो सॉल्यूशन यहाँ पे अभी ली थी, सॉल्यूशन जो मैंने ली थी उसमें मेरा सॉल्वेंट था वो वाटर था, और वाटर का जो यहां पे पार्शियल वेपर प्रेशर था दैट वाज पीए इन सॉल्यूशन, और साथ में मैंने इसके साथ मिलाया था क्या अल्कोहल भी मिलाया था, और अल्कोहल भी वोलेटाइल था वो भी वेपर बना रहा था, एंड जो अल्कोहल का जो यहां पे पार्शियल वेपर प्रेशर था दैट वाज पीबी, वो ये हमारी सॉल्यूशन थी। सॉल्यूशन में दो चीजें प्रेजेंट थी, एक तो वोलेटाइल सॉल्वेंट दूसरा वोलेटाइल सॉल्यूट, दोनों वेपर्स बना रहे थे, दोनों का वेपर प्रेशर अपना अपना है, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए इज वाटर का एंड पी बी दैट इज अल्कोहल का, यानी कि ये सॉल्वेंट का है पार्शियल वेपर प्रेशर और ये सॉल्यूट का है पार्शियल वेपर प्रेशर। अब डाल्टन क्या कहता है कि अगर हमें इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मालूम करना हो तो इन सिंपली इन पार्शियल प्रेशर का सम कर दो आप। अगर हमें इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए हमें इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर्स का सम लेना होगा, तो सिंपली मैं कहूंगा पीटी यानी कि पी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन
in which both solute and solvent are volatile, the total vapor pressure of such solution at given set of conditions, that will be equal to PA plus PB. This result is as per Dalton's law of partial pressures. यानी कि solution में आपका solute भी है, solvent भी है, दोनों vapors बनाएंगे, दोनों exert करेंगे vapor pressure. तो यहाँ पे जो solution का total vapor pressure है, उसको उसके पहले मैंने P total ले लिया है, तो वो P total होगा बराबर sum of the individual partial pressures of those volatile components which are present in the solution. तो ये आ गया इस solution का total vapor pressure. अब मैं इसको थोड़ा modify कर लेता हूँ. P total यानी कि total vapor pressure of the solution, that will be equal to P किसके बराबर था? P A naught chi A के बराबर था. प्लस PB किसके बराबर था? PB इट वाज इक्वल टू PB नॉट काई बी. तो यहां से आपको मिलेगा द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल. दैट मींस द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट्स, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट. तो ऐसे जाके आपका जो है टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मिलेगा. तो दो इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने इस रोटसला वाले इंट्रोडक्शन लेक्चर वाले लेक्चर में पढ़ा है. एक तो ये पढ़ा, जितना आप मोल फ्रैक्शन ज्यादा लोगे सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, जितना मोल ज्यादा लोगे सॉल्यूट में उतने ही ज्यादा उसके वेपर्स बनेंगे, और जितने वेपर ज्यादा बनेंगे उतना सॉल्वेंट का वेपर भी ज्यादा बनेगा, सॉल्यूट का वेपर भी ज्यादा बनेगा, और उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर भी होगा. वो एक बात थी. और डाल्टन क्या कह रहा है कि अगर आपने एक सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना हो, तो आप इस सॉल्यूशन में देखिए कितने वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उन सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स का आप सम कर दीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें PA है किसके बराबर? 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर. PA 500 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर है. और यहाँ पे PB जो है, PB यहाँ पे सॉल्यूशन में P पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट जो है, दैट लेट दैट बी 200 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. ये PA का वैल्यू आ गया, PB भी का वैल्यू आ गया, PA का भी आ गया, PB का भी आ गया. तो जैसे आपको पूछा गया है आप P टोटल निकालो इस सॉल्यूशन, तो P टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली इन दोनों का सम करना पड़ेगा. दैट इज 500 प्लस आएगा ये 200, that will be 700 newton meter square इसका total vapor pressure होगा इस solution. That is what Dalton is trying to say. तो इसके बाद हम थोड़ा मुंह करते हैं, एक और definition ले लेते हैं किसकी? और Rotus law की. तो उससे पहले मैं और एक definition लूँ Rotus law की. सबसे पहले आप इसको note down कर दीजिए और मैं इसको पूरा कर देता हूँ. ठीक है, हो गया. And you can see. Now, as per Dalton's law, what was the formula for determination of total vapor pressure of solution? PT, that was equal to PA naught chi A plus PB naught chi B. This is the formula for the determination of total vapor pressure of solution containing both volatile components. Uska PT hum isse, yani total vapor pressure is formula se nikal sakte. लेकिन हम इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं. हमें एक चीज पता है जो हम रोज पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन में, काई ए प्लस काई बी दैट इज इक्वल टू 1. जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो हमेशा यूनिटी के बराबर होगा. वो आपने ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है. तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारा काई बी होगा, काई बी विल बी इक्वल टू काई ए को यहां पे शिफ्ट कर दो आप, तो ये क्या आएगा 1 माइनस काई ए. तो ये आ गया आपका काई बी का वैल्यू. और इसी काई बी के वैल्यू को आप यहां पे सबस्टिट्यूट कीजिए. ये कौन सी थी हमारी इक्वेशन नंबर 3.
By substituting the value of chi b, mole fraction of solute, in equation third, what we will have? We will check that. Now see, p total will be equal to p a naught chi a, yahan pe humne koi change kiya hi nahi, plus p b naught, ab yahan pe chi b hai, to chi b ke badle aap ye value substitute kar dijiye, 1 minus chi a. Theek hai, kuch bhi nahi kiya, sirf chi b ka value substitute kiya humne. That means this p total will be equal to p a naught chi a, plus, to p b naught isko multiply kijiye aap, ye aayega p b naught minus p b naught पहले लिख लेता हूँ इस वाले पोर्शन को, लेट दिस बी पी बी नॉट काई ए, और इस पी बी नॉट वाले को मैं लास्ट में लिख लेता हूं पी बी नॉट. देख लीजिए सेम चीज है, थोड़ा रिअरेंज किया है और कुछ नहीं किया. पी टोटल इज हियर पी ए नॉट काई ए, पी ए नॉट काई ए, इन नेगेटिव वाला पोर्शन मैंने पहले लिखा है और ये पॉजिटिव वाला पोर्शन मैंने लास्ट में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन. आप देख लीजिए पी टोटल विल बी इक्वल पी ए नॉट, एक चीज कर ले, यहां पे एक चीज सीखिएगा काई ए एंड काई ए ये कॉमन है यहां पे, तो हम लिख लेते हैं पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, एंड इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं काई ए से. ठीक है, तो प्लस आएगा यहां पे पी बी नॉट. ठीक, तो ये जो इक्वेशन यहां पे आई है इसको मैं नाम रख लेता हूं इक्वेशन नंबर फोर. अब इक्वेशन नंबर फोर के हिसाब से आप देख लीजिए द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, रोल्स लॉ की और एक डेफिनेशन आ रही है समझ लीजिएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड इफ वी नो द वेपर प्रेशर्स ऑफ बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन प्योर फॉर्म पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, एंड इफ वी नो वन मोर थिंग दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट सॉल्वेंट. अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के वेपर प्रेशर्स पता हो इन प्योर फॉर्म, वी कैन डिटरमाइन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. दैट इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ रोल्स लॉ. दैट मींस एज पर रोल्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म एंड बाय नोइंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट इज सॉल्वेंट हियर. लेकिन आपको ये इक्वेशन कब मिली? आपको ये इक्वेशन तब मिली जब आपने इक्वेशन थर्ड में काई बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था. Likewise, अगर आप इक्वेशन थर्ड में काई बी के बदले काई ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो काई ए क्या आता? 1 माइनस काई बी. अगर आप इक्वेशन थर्ड में काई बी, जब आपने काई बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन थर्ड में तो ये वाली इक्वेशन आई थी. लेकिन जब आप काई बी के बदले काई ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको और एक इक्वेशन मिलेगी, मैं उसके बदले लिख लेता हूँ. सिमिलरली पी टोटल विल बी इक्वल पी बी नॉट, यहाँ पे पी ए नॉट के बदले पी बी नॉट आता अगर आप काई बी के बदले काई ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो पी ए नॉट के बदले पी बी नॉट, पी बी नॉट के बदले यहाँ पे पी ए नॉट लिख लीजिए, काई ए के बदले आता काई बी, प्लस आ जाता पी बी नॉट के बदले पी ए नॉट, और ये आ जाती आपकी दूसरी इक्वेशन अगर आप इक्वेशन नंबर थर्ड में काई ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते. वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस आप यहां पे चेक कर सकते हो तो देख सकते हो टोटल वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं. अगर हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का वैल्यू पता हो प्योर फॉर्म में और मोल फ्रैक्शन में से, या तो आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए या तो आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो आप दोनों के दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है डिटरमाइन कर सकते हैं. दैट मींस एज पर दीज टू इक्वेशंस 4 एंड 5 we can calculate the total vapor pressure of the solution by knowing the partial, by knowing the vapor pressures of solute and solvent in the pure form and by knowing mole fraction of one of the components. to main ek numerical problem le leta hu yahan pe, dekh lijiye ek numerical problem le lete hain isi concept pe. agar hame mole fraction ek cheez ka pata ho ya solute ka ya solvent ka,
और हमें दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में पता हो, हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। समझ लीजिए मेरे पास ए है जो कि एक सॉल्वेंट है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। समझिए इफ यू आर हैविंग अ ए सॉल्वेंट वोलेटाइल है और बी है आपका सॉल्यूट वो भी वोलेटाइल है, तो दोनों वोलेटाइल है, तो इसका जो अपना प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है पीए नॉट उसका मैं वैल्यू रख लेता हूं 500 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, एंड इसका जो पीबी नॉट है पीबी नॉट प्योर फॉर्म में लेट दैट बी 200 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहां पे पीए नॉट आ गया वाटर का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, यहां पे पीबी नॉट आ गया अल्कोहल का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आपको दिया गया है एक चीज और दिया गया है काई ए यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया गया है 0.8, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है आप सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर हमें डिटरमाइन करके दीजिए। तो देख लीजिए पीए नॉट दिया गया है, पीबी नॉट भी दिया गया है और साथ में आपको काई ए दिया गया है, और काई बी आप खुद से निकाल सकते हो, काई बी विल बी इक्वल टू ये फॉर्मूला आप यूज करोगे 1 माइनस काई ए, तो काई ए किसके बराबर है 0.8, तो काई बी क्या आएगा यहां पे 1 माइनस 0.8 दैट विल बी 0.2। ठीक है, तो पीए नॉट भी है पीबी नॉट भी है काई ए भी आ गया काई बी भी आ गया, तो वैल्यू सबस्टिट्यूट करो यहां पे, आपको क्या चाहिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, पीए नॉट भी आ गया काई ए भी आ गया पीबी नॉट भी आ गया काई बी भी आ गया। ठीक है, तो समझ लीजिए टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी, इसी से तो निकलेगा टोटल वेपर प्रेशर। सो पी ए नॉट कितना है 500 और काई ए क्या है इनटू 0.8 कर दो प्लस पी बी नॉट कितना है 200 एंड काई बी कितना है 0.2, तो आपका P टोटल आएगा 500 into 0.8 ये आएगा यहाँ पे 400 plus 200 into 0.2 जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 40, that means P total जो होगा solution का that will be 440 newton meter square, तो ऐसे करके आपने इस solution का total vapor pressure निकाला है, that means with the help of Raoult's law we can not only calculate the individual partial pressures of solute and solvent, we can also calculate the total vapor pressure of the solution containing both volatile solute and solvent, and for that purpose we have to do one thing, we must know two important things, one is the vapor pressure of solute and solvent in their pure form, and we must be knowing the mole fractions of solute and solvent. Inshallah in our next lecture we will be discussing second part of Raoult's law, जिसमें हम वो वाली सॉल्यूशन लेंगे जिसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, उस सॉल्यूशन के बारे में हम रोल्ट्स लॉ कैसे उस सॉल्यूशन के बारे में रोल्ट लॉ क्या कहता है वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन अगर हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और यू कैन कॉल मी एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। टिल देन खुदा हाफिज़।